हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईपी प्रेजेंट्स लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल। मेरे साथ आज फिर खान सर हैं, फोटोग्राफी के खान सर, और हम लोग फिर एक बार रिव्यू कर रहे हैं हमारे ऑनलाइन के 3 मंथ्स ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स के स्टूडेंट। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं, आज हम किसका रिव्यू करने वाले हैं, खोले पेज, यस। और ये स्टूडेंट है हमारे, नाम क्या है इनका, अंजलि तिवारी। आज हम रिव्यू करने वाले हैं अंजलि तिवारी। हमारी 3 मंथ्स ऑनलाइन फोटोग्राफी की स्टूडेंट हैं, रही हैं, उनको उनका कोर्स कंप्लीशन हो चुका है, और आज हम उनके एक असाइनमेंट को रिव्यू करने वाले हैं खान सर के साथ। तो हम लोग जो रिव्यू करेंगे खान सर, ये वाला, दिस वन, आप खोल लीजिए। यस, सो ये जो तस्वीर हम आप देख रहे हैं आसिफ सर, ये तस्वीर एक मार्केट की, फ्लावर मार्केट की तस्वीरें हैं, और आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक सर, ये ना एक बहुत अच्छा ट्राई है जो अंजलि ने किया है। और अमूमन ऐसा होता है कि जब हम मार्केट जाते हैं तो वहाँ फ्रेम बनाना बहुत मुश्किल होता है, उसके बावजूद भी ना अंजलि ने ना फ्रेम्स ढूंढे हैं। ठीक, तो आप अगर जैसे बात करेंगे ना, तो ये आउटडोर सिचुएशन में शूट किया गया फोटो है, जहाँ पर कुछ आर्टिफिशियल लाइट्स भी ऊपर जल रही हैं, लेकिन अगर हम यहाँ बात करेंगे तो एक्चुअली एक मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश की गई है। जो मार्केट में जो वेंडर्स हैं, जो फ्लावर वेंडर हैं, वो वहाँ पर वो बेच रहे हैं। ठीक, तो अल्टीमेटली मुझे इस फोटोग्राफ के अंदर जो सबसे अच्छी बात लगी वो है कलर, कलर्स ब्यूटीफुल, और पिक्चर का टेक्सचर। ठीक, तो इसलिए ये फोटोग्राफ ज़्यादा अच्छा है। और आप देखिए कि बेसिकली लाइंस भी जो है वो दे आर गेटिंग योर आइज टूवर्ड द सब्जेक्ट। ओके, ठीक है, सो दैट इज द गुड थिंग इन द फोटोग्राफ। सो एक तो इसके अंदर जो कलर्स आप देख रहे हैं वो एक बड़ा भारी कैच है इसमें। सेकंड, जो मूड है, जो फ्लावर मार्केट का एक मूड है, वहाँ पर कुछ कुछ बिखरा पड़ा है, कोविड का काल बता रहा है वो, कोविड मास्क लगा रखा है, तो तकरीबन उस फेज में इन्होंने किया होगा। एग्जैक्टली, सो ये फ्लावर मार्केट का एक डॉक्यूमेंटेशन है बेसिकली। अगर आप कहीं स्ट्रीट पर जाते हैं, मार्केट जाते हैं, या फिर किसी ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं या क्राउड है, उस तरह की चीज़ें हैं, तो वहाँ तस्वीरें बनाना होता है मुश्किल काम, लेकिन उसमें भी आप अपने फ्रेम को बना पा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक्सपोजर के कॉन्टेक्स्ट में आप कैसे, एक्सपोजर के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो सर, शेडो जो है, क्योंकि ये आउटडोर सिचुएशन है और बैकड्रॉप में जो है वो इंडोर सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन में ना एक्सपोजर को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है एक आम कैमरा के लिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं चाहता कि अगर उसमें वो फिल लाइट देते थे तो ज़्यादा अच्छा हो सकता था ये फोटोग्राफ, ताकि ये जो बैक में जो हमारा जो डार्क चला गया है इसमें, फिर भी इसमें थोड़ा बहुत दिख रहा है, ऐसा नहीं है वो जो अंदर की एक ग्रिल टाइप की कुछ शॉप में थोड़ा सा, थोड़ी सी डिटेल है, लेकिन वो प्रॉपर डिटेल नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर अब ये यहाँ पर एज ए नेगेटिव स्पेस काउंट हो रहा है। अच्छा, अगर ये, अगर इसमें डिटेल होती और हमें कुछ यहाँ पर एलिमेंट दिखाई दे रहे होते तो ये पॉजिटिव स्पेस में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, ओके, तो जैसे जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव स्पेस, हाँ, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल एक आपको अलग सा टेक्सचर शेप्स आपको मिल रही है, सब्जेक्ट है वहाँ पर। ओके, सो आप ये एक बार थोड़ा इलेबोरेट करो कि जो नेगेटिव स्पेसेस हैं, क्योंकि इस इन टर्म्स को बहुत सारे हमारे जो नए, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स है तो बहुत लोगों को नेगेटिव स्पेस, पॉजिटिव स्पेस, ब्रीदिंग स्पेस, ये सब चीजें नहीं भी पता होती। सो आप नेगेटिव स्पेस को जो आपने अभी बताया है उसको एक बार बेसिकली देखिए, दो कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, पहला होता है पॉजिटिव स्पेस, दूसरा होता है नेगेटिव स्पेस। ठीक, पॉजिटिव स्पेस इज द स्पेस वेयर दैट यू कैन हैव द एलिमेंट्स, ठीक है, जो हमारे विजुअल एलिमेंट वहाँ पर मौजूद होते हैं, बट नेगेटिव स्पेस में वो एम्प्टी स्पेस होता है, लेकिन ये भी अपने आप में एक पार्ट है कंपोजिशन एलिमेंट्स का, कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस
दोनों की रिक्वायरमेंट होती है ठीक। लेकिन कहीं पर आप देखेंगे कि ज्यादा नेगेटिव स्पेस अच्छी बात नहीं होती है, आपको फिल कर देना चाहिए अगर कोई ज्यादा नेगेटिविटी, अगर अंटिल और अनलेस अगर आप फोटोग्राफ में मिनिमलिज्म नहीं रखना चाहते हैं, मिनिमलिज्म के लिए तो रिक्वायरमेंट होती है आपके पास बहुत सारा जो है नेगेटिव स्पेस होना चाहिए। तो एक बात जो मैं यहाँ आसिफ सर ने जो अभी बताया है उसके बारे में एक चीज़ मैं छोटी सी आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी जो कंपोजिशन है उसमें क्योंकि आप सीख रहे हैं, आप रूल्स को ब्रेक भी करते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी लर्निंग प्रोसेस है, आपको रूल्स पता होना चाहिए, आपको एस्थेटिक्स क्लियर होने चाहिए, आर्ट की जो जो एक दायरा है कला को कैसे जनरेट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है उसके पीछे वो सब सीखना है आपको। लेकिन बाद में तो जैसे नेगेटिव स्पेस के बारे में बताया है और ये एरिया इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग है दिस वन, और यहाँ आके वो टोटल थोड़ा डार्क की तरफ जा रहा है, फ्लैट हो गया, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखें कि इस तरह की तस्वीरों में आगे चलते हैं। इसको हमने अभी बी ग्रेड के उसमें रखा हुआ है। ये भी स्ट्रीट का वहीं का ही है, ये पूरी जो पांचों तस्वीरें हैं इनकी ये है फ्लावर मार्केट की ही। अब आप इसके बारे में बताइए। सर देखिए सबसे अच्छी बात है कि इसमें हमारा सब्जेक्ट एकदम क्लियर है, जो सबसे बड़ी बात है, और इनफैक्ट ये बहुत ही इम्पैक्टफुल फोटोग्राफ है। तो बहुत ज्यादा फोटोग्राफ, और देखिए अगेन मैं वही बात करूंगा कि कलर बहुत अच्छे से इन्होंने कंपोज किए, क्योंकि कलर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कंपोजिशन, ठीक है। और फोरग्राउंड है, सब्जेक्ट है, बैकग्राउंड है, तो डेप्थ भी क्रिएट हो रही है हमारे साथ, लॉट्स ऑफ टेक्सचर इन द इमेज एज वेल। और तीसरी बात है कि मैं एक चीज़ और बता देना चाह देता हूँ यहाँ को आपको कि ये तस्वीर खोल लेते हैं और टूल्स पैलेट, ये ना ट्रायंगुलर कंपोजिशन इन्होंने बताया है, ठीक है ना। तो बेसिकली यू कैन से दिस के जैसे यहाँ पर आप देखिए कि एक तो हमारे पास ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है हमारा, ठीक है, तीसरा ये है, तो दिस इज बेसिकली मेक अ ट्रायंगल, तो दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल कंपोजिशन। ओके, तो ये भी मैटर करता है शेप्स, कहीं सर्कुलर होता है, कहीं स्क्वायर होता है, तो बेसिकली एक कनेक्टिविटी होती है सब्जेक्ट के बीच में, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ ट्रायंगुलर कंपोजिशन। ठीक है, परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। मेरे ख्याल से आपको एक बात का ये क्लैरिटी हुई होगी कि अनजाने तस्वीरों में बहुत कुछ हिडन एलिमेंट्स रहते हैं। जैसे अभी सर ने बताया कि ये ट्रायंगुलर मोमेंट एक बन रहा है उसका, और जिसमें ये शेप बहुत बेहतर तरीके से निकल के आ रही है। और इसके अलावा कोई और एक्सपोजर में इसके अंदर नहीं, एक्सपोजर इज गुड, एक्सपोजर ठीक ठाक है, लेकिन मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अंजलि को कि जब भी आप इस तरह के फोटोग्राफ्स लेती है आप कोशिश कीजिए कि सब्जेक्ट जो है वो ना कटे, जैसे यहाँ पर जो सब्जेक्ट कट गया, हाँ। यहाँ पर ये कट गया, तो इसको थोड़ा सा और स्पेस देना चाहिए था, इसलिए इसमें थोड़ी सी बेहतरी की गुंजाइश रहती है। यहाँ पर जो है स्पेस आप दे देते और अल्टीमेटली यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना चाहिए, यहाँ से भी एक फिगर कट हो रही है, ठीक है। तो एक तो सब्जेक्ट जब आप कंपोजिशन बना रहे हैं तो कोई सब्जेक्ट कटे नहीं, खासकर ह्यूमन एलिमेंट्स, वो एक काइंड ऑफ माइनस वो रहता है। और दूसरा जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये हैंड ये गड़बड़ हो रहा चला गया है, तो इसको बेसिकली ठीक करने की जरूरत है, थोड़ा और स्पेस दे दीजिए, थोड़ा पीछे जा सकते थे। लेकिन एक बात और भी ऐसा, जैसे हम कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं ना, बहुत मुश्किल होता है कंपोज करना, होता है, यस, उसी चीज की प्रैक्टिस करानी है ना हमें, एग्जैक्टली प्रैक्टिस उसी चीज की है। जब ये लर्निंग चल रही है अभी, मुझे लगता है कि जो हमारे फाउंडेशन के स्टूडेंट्स अब जो हमारे यहाँ एनरोल हो रहे हैं, उनको इन वीडियोस के थ्रू काफ़ी कुछ लर्निंग वैसे भी मिल जाएगी, सो दैट वो आगे आने वाले समय में उसको टेक केयर करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ऑनलाइन के इस फाउंडेशन कोर्स में नहीं सीख पा रहे थे, और जब तक कि इस तरह का इंटरेक्शन शुरू नहीं हो तब तक बहुत सारी डिस्कशंस में चीज़ें आती नहीं है। जैसे अभी आपने यही बताया, वो जो कट हो रहा है ह्यूमन बॉडी जो वहाँ से वो हो रहा है, यहाँ से ये कट रहा है, सो ये चीज़ें डिस्कशन में नहीं आती हैं। हम भी आपको कमेंट जब करते हैं उसमें बहुत कई बार इसमें ये चीज़ें मिस कर रहे थे, सो यहाँ हम आपको बहुत क्लैरिटी के साथ में बता पा रहे हैं नेगेटिव स्पेसिस के बारे में, रूल ऑफ थर्ड के बारे में, एक्सपोजर के बारे में, और भी कई ऐसे जो नेक्स्ट चलते हैं। बहुत बढ़िया,
जी ये ना सर देखिए बहुत अच्छा है कि इन्होंने ना डॉक्यूमेंटेशन स्टाइल में ये फोटोग्राफी की गई है, ठीक है। तो एक्चुअली एक जगह को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैंने आपको जैसे बताया कि थोड़ा सा मुश्किल होता है कंपोज करना, तो इस फ्रेम के अंदर जो अच्छी बात है, देखिए अब कलर्स तो है ही फ्रेम्स के अंदर, दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब लोग एक ही तरफ देख रहे हैं। हाँ, तो एक्चुअली आप मार्क करके बताइए सब्जेक्ट जो है, एक्चुअली दिस इज आल्सो बेसिकली जो हमारा जो मूवमेंट है आइज का, ठीक है, वो थ्रो आउट द फ्रेम होते हुए जैसे यहाँ से शुरू होता है, जैसे हमारी आदत होती है कि हम किस तरह से फ्रेम को देखते हैं, ठीक है, तो ये मूवमेंट है वो ऐसे एक्चुअली फ्रेम के अंदर आईबॉल जो मूवमेंट हुआ, हाँ, वो इस तरह से आपको अल्टीमेटली जो है सब्जेक्ट पे बात जा रही है, तो ये मूवमेंट है। लेकिन फिर भी थोड़ा जो कमी मुझे पिक्चर में लग रही है कि हेड स्पेस, ठीक है, वो होना चाहिए था बट लेकिन वो है कि जो मूवमेंट है वो परफेक्टली बहुत बढ़िया है वहां पर जा ये आपका जो तस्वीर है उस तस्वीर को देखना कैसे है, हाउ डू यू सी अ पिक्चर, उसके अंदर मूवमेंट आईबॉल का मूवमेंट कैसे है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ें हम मिस करते हैं, यही लर्निंग है आपकी कि आपको ये समझ में आए कि तस्वीर सिर्फ कलर एक्सपोजर और बेसिक एलिमेंट्स के साथ में नहीं बन रही है, उसका उसको देखने का भी एक तरीका है, उसको डीकोड या डीकंस्ट्रक्ट करने का भी एक तरीका है, वो आपने जो बताया बहुत सुंदर। सो बाकी इसके अंदर एक ये कैमरा को देख रहा है तो थोड़ा एलिमेंट डिस्टर्बिंग हो गया, ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, और इनफैक्ट यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये भीड़ भाड़ में एक्चुअली प्रॉब्लम यही होती है कि ये डिस्ट्रैक्शन हम हटा नहीं सकते, बस वही है कि राइट मोमेंट का इंतजार करना भी तो एक इम्पोर्टेंट बात है। इंतजार कर सकते थे फोटोग्राफ अंजलि को, सब्जेक्ट दिख रहा है हम क्लिक कर रहे हैं, सो ये अगर आप फ्यू सेकंड्स वेट करें तो आपको एक परफेक्ट मोमेंट जैसा दिखता है मिलता है आपको, तो ट्राई करें आप उस तरह से इसको करने की कोशिश करें। आगे बढ़े, नेक्स्ट इनकी जो तस्वीर है देखिए कितना कलरफुल कितना खूबसूरत फोटोग्राफ, बहुत सुंदर कंप्लीट फोटोग्राफ है। यस, आप इस तस्वीर को काफी देर तक देख भी सकते हैं क्योंकि कलर्स हैं, ब्यूटीफुल कलर्स हैं, देखिए कितना टेक्सचर है और बहुत ही कलरफुल फोटोग्राफ है। इनफैक्ट जो स्कार्फ जो पहना हुआ है वो भी बहुत कलरफुल, वो भी बहुत कलरफुल है। यस, और अल्टीमेटली एक मूवमेंट को कैप्चर किया है। इसमें लाइट भी एक अच्छी लाइट, साइड लाइट आ रही है, साइड लाइट आ रही है, वो भी आप अच्छे से देख पा रहे हैं। और इसमें बाकी कंपोजिशन इज ओके, बहुत अच्छा कंपोजिशन है। इनफैक्ट आप ये देखिए कि अगर जो फ्लावर्स है ना, फ्लावर्स फ्लावर्स भी अपने आप में जो है एक फ्रेम बना रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए कि जो फ्लावर्स के बीच में बेसिकली ये देखिए ह्यूमन फिगर यहाँ पर आ रही है, और ये फोरग्राउंड है और बैकग्राउंड है, तो डेप्थ भी क्रिएट हो रही है अल्टीमेटली, और एक्सपोजर ठीक ठाक है, बहुत अच्छा बढ़िया से उन्होंने इसमें और डिटेलिंग हो सकती थी। बेसिकली व्हाइट है ना, इसलिए व्हाइट थोड़ा सा चमक रहा है। देखिए अभी ये भी डिपेंड करता है कि हमारे कैमरा की डायनामिक रेंज राइट की वे ऊपर बात होती है कि वो व्हाइट और ब्लैक को किस तरह संभाल पाता है। यस, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक बात। दो सबसे पॉजिटिव बात है पूरे फ्रेम के अंदर कलर्स है, टेक्सचर है फ्रेम के अंदर, और आप देखेंगे कि नेगेटिव स्पेस नहीं है, नेगेटिव स्पेस नहीं है, ठीक बात। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा फोटोग्राफ है, और आप देखिए कि बेसिकली आपकी आई अल्टीमेटली लीड कर रही है हमारे सब्जेक्ट की तरफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तस्वीर अच्छी है, बेहतर है, और ये फाइनल पांचवी तस्वीर। जी काफी नीट है, ये तो काफी नीट है, और रूल ऑफ थर्ड का पूरे अच्छे से इस्तेमाल किया है। आप रूल ऑफ थर्ड का बता दीजिए, क्योंकि रूल ऑफ थर्ड बेसिकली अगर हम इसको डिवाइड करेंगे फ्रेम को,
फ्रेम को अगर हम 9 boxes में डिवाइड करते हैं, सपोज कीजिए कि यहाँ से अगर मैं अगर सही मैं अंदाजन बात कर रहा हूँ, ठीक यहाँ से अगर हम लेते हैं थोड़ा सा ऊपर, यहाँ से राइट, एक लाइन हम यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं और एक लाइन हम ये ड्रॉ कर देते हैं और एक लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, तो आप देखिए कि बेसिकली जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ पर जब हमारा सब्जेक्ट होता है लाइन में वो आ गया है जी, तो ये काफी रूल ऑफ थर्ड के आसपास है और बाकी इनका एक्सपोजर भी ठीक ठाक है। एक्सपोजर बिल्कुल ठीक है और कहीं जो आपका सब्जेक्ट है वो बाहर देख रहा है फ्रेम से, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि जो नोज रूम है ठीक है, यहाँ पर जैसे यहाँ एक्चुअली हालांकि स्पेस दिया है वो अच्छी बात है, लेकिन बेहतर होता अगर हमारा सब्जेक्ट इधर की तरफ ना देख करके इस तरफ देखता, हाँ, हाँ, तो वो नोज रूम जो है वो लीडिंग रूम जिसको हम बोलते हैं, तो वो लीडिंग रूम हमें मिल जाता। ठीक, तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे हेड स्पेस बहुत अच्छे से इन्होंने दिया है, अब क्योंकि मार्केट है वहाँ पे डिस्टर्बेंस तो होगी, तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, लेकिन हमेशा अवॉइड कीजिए कि जैसे ये यहाँ पर जो है मर्ज कर रहा है, हेड के ऊपर से कोई चीज़ जा रही है सब्जेक्ट के, ठीक है, कोशिश कीजिए कि आपके सब्जेक्ट के पीछे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, जैसे ये क्या है यहाँ पर जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, बेहतर होता कि अगर ये चीज़ें यहाँ पर ना होती तो अल्टीमेटली बहुत अच्छे से शूट किया टेक्सचर जो है इमेज में, और दूसरी बात इमेज में कलर बहुत अच्छे हैं। एक चीज़ जो आपने अभी कंपोजिशन के बारे में बताया कि वो जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों को जो अभी 3 months फाउंडेशन जैसा कोर्स कर रहे हैं, आपको ये इस बात के की ज्ञान होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए कि आप अपने आप को मूव कर सकते हैं लेफ्ट पे राइट पे, थोड़ा कैमरा को ऊपर नीचे, सो यहाँ से ये चीज़ें जो दिख रही हैं पीछे से इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, कैमरामैन अगर थोड़ा सा नीचे से इसको तस्वीर को बनाता है ये सब अवॉइड हो सकते हैं। एग्जैक्टली, ये छुप जाते हैं पीछे, सब्जेक्ट के पीछे छुप, तो ये भी एक तरह की और फिर लार्जर देन लाइफ एक इमेज क्रिएट होती है जब आप एंगल लो कर लेते हैं तो एक वॉ फैक्टर ऐड हो जाता है। और इसमें कुछ शेप्स भी मुझे दिखाई दे रही हैं, जैसे देखा जाए तो अगर आप ये देखेंगे तो दीज एक्चुअली आर मेकिंग द शेप्स, यहाँ पर आप देखिए, तो बेसिक जो एलिमेंट्स हैं आपके आर्ट के एलिमेंट्स हैं उसमें इसमें काफी कुछ आप देख पा रहे हैं, कलर्स हैं, शेप्स हैं, टेक्सचर है, लाइंस हैं, लाइंस हैं, आप देखिए वर्टिकल लाइंस हैं, ठीक है, ये सारी आप देखेंगे, दिस इज यस, और सब्जेक्ट भी सबसे अच्छी बात है कि सब्जेक्ट कहीं और देख रहा है, ठीक ठीक है, और जो लाइट है वो साइड लाइट है। अच्छा, इसमें जो स्टोरी डेवलप मुझे होती हुई दिखाई दे रही है वो ये है, दो इट इज़ अ वेरी कलरफुल और हैप्पी मूड काइंड ऑफ सिचुएशन, लोकेशन जो है वो सेरेमनीज वाला या खुशी का माहौल वाला मोमेंट है, वहाँ ये जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा उदास दिखाई दे रहा है, तो कॉन्ट्रास्ट बनता है, ये सब्जेक्ट जिस तरह का इसका बॉडी लैंग्वेज है जेबों में हाथ डाल के, लगता है इसका कुछ भी सेल्स अभी शुरू नहीं हुई, शायद वही एक एक्चुअली एक थोड़ा सा मूड जो है वो डल है, लो है एक्चुअली। ठीक है, तो ये हमारी 5 तस्वीरें हो गई हैं, हम इसको आज के इस रिव्यू को कंक्लूड करते हैं। देखिए, पर्पस ऑफ रिव्यूइंग इज कि हम आप तक जो नहीं पहुंच पा रहे थे, लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल इस पॉडकास्ट और इस तरह के रिव्यूज के थ्रू पहुंच पा रहे हैं, एक समय पे हम बड़ी ऑडियंस को सर्व कर पा रहे हैं, अदरवाइज ये बैकएंड में चल रहा था, यानी 2010 से आज तक ये सिर्फ बैकएंड में ही चल रहा था, हम लोग मेंटर्स जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स के साथ में पीछे से हम उनको रिव्यू सिस्टम दे रहे थे, कमेंट्स दे रहे थे, उनके काम को अच्छा बुरा क्या है वो बता रहे थे, लेकिन अभी क्या हुआ, हमने इस बात का सॉल्यूशन निकाला है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि हमें फोटोग्राफी को एक्सप्लोर करना है, सिंप्लीफाई भी करना है, सो इस तरह के रिव्यू करने से बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी हमारे को लिख भी रहे हैं, अगर आप कमेंट्स में जाएंगे तो पढ़ेंगे, तो लिख भी रहे हैं कि लर्निंग हो रही है, विच इज़ वेरी गुड, अभी तो हमने शुरू ही किया है, हम चाहते हैं कि आप लोग चैनल को, जो IIP का ये चैनल है लेट्स टॉक फोटोग्राफी, इसको सब्सक्राइब करें
और हमसे क्वेश्चंस करें, आपके कोई इश्यूज हैं वो डिस्कस करें। हम लोग चाहते हैं कि हम फोटोग्राफी में जो एक मिथ है कि इसमें कोई बिजनेस नहीं होता, इसमें कोई जॉब्स नहीं होती, ये नहीं होता, इसको हम ब्रेक करना चाह रहे हैं। इसीलिए हम इसको सिंप्लीफाई कर कर और जो वाव है फोटोग्राफी का वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से इस रिव्यू को हम यहीं कंक्लूड करते हैं। अंजलि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अच्छा तस्वीरों को बनाया है, इम्प्रूवमेंट के काफ़ी चांसेस हैं। तो इन टोटेलिटी जो हमने आपको यहाँ हम रिव्यू कर रहे हैं वो तकरीबन बी के आसपास का है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट के चांसेस काफ़ी हैं। अंजलि तिवारी कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड फिर एक रिव्यू के साथ हम लोग प्रेजेंट होते हैं। और तब तक के लिए हम लोग आज्ञा लेते हैं आपसे, और थैंक यू सो मच।